वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस पावर के स्टॉक के बारे में। रिलायंस पावर का स्टॉक यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, हमने चार्ट लगाया है 2015 से लेके अभी तक का, यहाँ पे चार्ट आपके सामने है और एक इसमें टेक्निकल पैटर्न जनरेट हो रहा है, बट यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक ये टेक्निकल पैटर्न ये पूरा कंप्लीट हुआ और कब्बित हैंडल का ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। टेक्निकल टारगेट जो इसके निकल के आएंगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे ₹1 से लेके यहाँ पे ₹20 तक ये पहुँच गया है और टेक्निकल टारगेट इसका यहाँ पे ₹40 के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा है। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम भी है इस कंपनी में। इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखोगे जितना रिलायंस पावर का मार्केट कैप है उससे ज़्यादा ये इसके पास कर्जा है। बुक वैल्यू यहाँ पे आप देखोगे 34 है, बट कर्जा बुक वैल्यू से भी कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए कभी कभी कोई स्टॉक में बिना ट्रेड किए हुए भी हम अपने पैसे को सेव रख सकते हैं, नुकसान नहीं कर सकते, पैसा बनेगा नहीं तो सेव रख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो बैलेंस शीट पे अगर आप आ जाते हो और देखोगे तो कर्जा यहाँ पे 20,000 करोड़ के आसपास है और इनका जो टोटल वैल्यू यहाँ पे जो दिखाई पड़ रही है रिलायंस पावर में वो 9,000 + 4,000 के आसपास दिखाई पड़ रही है। और मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप देखो आप, मार्केट कैप 8,000 करोड़ है। 8,000 करोड़ के कंपेरिजन अगर आप देखोगे तो 13,000 करोड़ ज़्यादा है, इसलिए बुक वैल्यू ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। बट यहाँ पे कर्जा कंपनी के ऊपर है तो ऐसी कंपनी में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। हम हमेशा ये नहीं बताते कि ये स्टॉक अच्छा है, कोई स्टॉक बेकार भी बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कंडीशन में क्या होता है मार्केट पे। तो वो चीज़ों को आपको सीखना है। इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट है और सब्सक्राइब का टारगेट यहाँ पे 20 सेट कर रहा हूँ, तो इसको हमें उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट करोगे।